आदित्य एल1 सन के पास जा रहा है, सन का रिसर्च कर रहा है, सबको मालूम है, पर एग्जैक्टली कर क्या रहा है और कैसे कर रहा है वो कितने लोगों को मालूम है। इस वीडियो में आज हम जानेंगे वेलसी के बारे में, जो आदित्य एल1 का मोस्ट कटिंग एज और वन ऑफ द मोस्ट एडवांस इंस्ट्रूमेंट है पूरे दुनिया का सन को स्टडी करने के लिए। तो चलिए जानते हैं। अगर आपको सन का कोरोना वगैरह सब कुछ पता है तो आप इस टाइम स्टैम्प पे स्किप कर लो डायरेक्ट वेलसी के बारे में, पर अगर आपको नहीं पता आप मेरे साथ चले आओ। पार्कर सोलर प्रोब, राइट, सब लोग पार्कर सोलर प्रोब की बात कर रहे हैं मीडिया में क्योंकि कंपैरिजन का कल्चर है अपना। पार्कर सोलर प्रोब ने सन को टच किया, राइट, सन पे लैंड किया टाइप्स वैसा कुछ, टच द सन, राइट, नहीं वैसा नहीं है जैसा आपको लग रहा है। ये है पार्कर सोलर प्रोब का फाइनल ऑर्बिट जो लास्ट में वो लेगा, और आप देख सकते हो इसमें वो 3.8 मिलियन माइल्स दूर है सन से। तो फिर ऐसे क्यों कहते थे वो कि टच द सन? बिकॉज इन थियरी वो सन के कोरोना में रहता, यानी सन के एटमोस्फेयर में रहता। हाँ, कोरोना, द ओजी कोरोना जो सन के एटमोस्फेयर को है, समझाता हूँ। सन के लेयर्स को देखते हैं, राइट, ये सन के लेयर्स है, राइट। जब हम कहते हैं टच द सन, काफी लोगों को लगता है ये जो आउटर लेयर है, ये जो क्रोमोस्फीयर या फोटोस्फीयर का लेयर है पार्कर सोलर प्रोब, उसको टच करेगा, बट ऐसा नहीं है। उसके ऊपर का लेयर जो है, जो एटमोस्फेयर है सन का, उसे कोरोना कहते हैं। और ये डिपेंडिंग आप किसको पूछो, ये कोरोना इवन मर्क्यूरी के बाहर तक एक्सटेंड करता है। ये कोरोना के पीछे क्यों लगे सब लोग? वेल, कोरोना अजीब इसलिए है क्योंकि एक प्रॉब्लम है कॉल्ड द कोरोना हीटिंग प्रॉब्लम या कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम, जिसमें आप एक्सपेक्ट क्या करोगे, राइट, सन का टेम्परेचर, सन का फोटो देख लो, आप एक्सपेक्ट करोगे क्या? सन का सरफेस सबसे गर्म है, राइट, क्योंकि वहां न्यूक्लियर फ्यूजन वगैरह सब हो रहा है, बट वैसा नहीं है। कोरोना जो है वो सन के सरफेस से ज्यादा गर्म है, जो काफी बड़ा पजल है। अब इसके काफी सारे थियरीज ऐसा क्यों है कि वेव्स के इसके तरह ट्रीट करो, नैनो फ्लेयर्स की थियरी। मेरे को काफी हेलियोफिजिस्ट ने कहा है कि सन के एटमोसफेयर को इमेजिन करते हो एज अ फ्लूइड इमेजिन करो, ना कि एक एटमोसफेयरिक पार्टिकल सिस्टम जैसा हमारा है। देखो, सन बहुत काम दिखता है, राइट, ऐसे हम जब सुबह वगैरह उठते हैं तो एकदम चिल टाइप्स, मस्त एकदम, पर ये अगर डिसाइड करे तो हमारी सबकी लाइफ्स डिस्ट्रॉय कर सकता है धरती पे। ये आपको जो दिख रहा है वो एक CME है, या CME बन रहा है, यानी एक कोरोनल मास इजेक्शन, यानी कोरोना के थ्रू जो भी मास है सन के पार्ट्स का, लिटरल पार्टिकल्स को इजेक्ट किया जाएगा बहुत हाई वेलोसिटीज से। और ये जब धरती के पास अगर लाइन में है और बहुत सारा पहुंच जाता है तो धरती पे एक जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म आ सकता है, हमारी वाट लगा सकता है सैटेलाइट की। और अभी स्पेस कोई लग्जरी रहा नहीं, हमारी पूरी दुनिया स्पेस के ऊपर डिपेंड है। फिर चाहे अपने प्लेन्स हो, शिप्स हो, व्हीकल्स हो, काफी सारे सिस्टम्स, टाइमिंग वगैरह, ये फाइनेंस वगैरह, टाइमिंग वगैरह सैटेलाइट्स के थ्रू मेंटेन करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमैनिटी के लिए स्पेस, राइट। यही नहीं, जब ये CME हो रहा है तो ये पार्टिकल्स उतने फास्ट आते नहीं, ठीक है, धीरे से आते हैं, पर इनके साथ एक फ्लेयर रिलीज होता है, ठीक है, सोलर फ्लेयर और CME डिफरेंट है। सोलर फ्लेयर में एक्सरेज वगैरह होते हैं, बहुत पावरफुल एक्सरेज रहे तो वो भी प्रॉब्लम कर सकते हैं अपने सैटेलाइट्स को। रिसेंटली इनफैक्ट SpaceX ने कुछ स्टारलिंक सैटेलाइट्स लॉन्च किए थे, पर तभी एक पावरफुल जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म कर रहा था जिसकी वजह से डेंसिटी बढ़ गई उस एटमॉस्फेयर के ऊपर, एंड देन वो डी ऑर्बिट हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए वो सैटेलाइट्स। तो इसलिए आदित्य एल1 जैसा मिशन इंडिया के लिए ही नहीं पूरे दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है। और आदित्य एल1 के इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे है कि वो पूरे दुनिया के लिए नए स्टैंडर्ड सेट करेंगे सन ऑब्जर्वेशन के मामले में। आदित्य एल1 ऑर्बिट में होने की वजह से उसे 24/7 व्यू होगा सन का, एंड नहीं, L1 बहुत नजदीक है धरती से। काफी लोग मुझे कल लाइव स्ट्रीम पे पूछ रहे थे कि हीट शील्ड क्यों नहीं है, हीट शील्ड लगेगी कि वो इतना नजदीक तो है, सूरज बहुत बहुत ज्यादा दूर है हमसे। अभी आते हैं वेलसी के ऊपर, यानी विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ। ये इंस्ट्रूमेंट का लीड था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, ऊपर लगाया वेलसी, ये जो टॉप डेक है आदित्य L1 का, जो सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है वो वेलसी है इस केस में। उसके नाम पे आते हैं, इसके नाम में कोरोनोग्राफ लिखा है, राइट, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट जो कोरोना को स्टडी करे। तो कैसे स्टडी करेंगे हम कोरोना को? उसको इमेज करके, बट कैसे इमेज करेंगे? सिंपल है, सन का इमेज लेने टाइम सन को ही ब्लॉक कर दो, बीच में जो सन है ब्राइटेस्ट पार्ट उसे ब्लॉक कर दो। आपने कभी भी देखा होगा कोई भी अगर हाई बीम वगैरह डाल के आ रहा है, पर अगर आप अपना फिंगर या हाथ डाल दो उसके हाई बीम के पार्ट के ऊपर, तो आपको पीछे का जो डार्कर साइड था वो इजिली दिखने लगता है, राइट। ये किसी भी केस में ट्रू है, आप ब्राइटेस्ट पार्ट को ब्लॉक कर दो, आपको जो डिम पार्ट है वो ज्यादा अच्छी तरह दिखने लगते हैं। ये जो आपके स्क्रीन के ऊपर चल रहा है वो है लास्को कोरोनोग्राफ, यूरोपियन सोहो स्पेसक्राफ्ट का, जो भी L1 में है। आप देख सकते हो सन के पार्टिकल्स और सोलर विंड वगैरह, ये सब धरती से भी हो सकता है। और हमारा फेमस मून भी है, राइट, मून भी आके कोरोनोग्राफ की तरह ही एक्ट करता है, और काफी सारे साइंटिस्ट एक्चुअली वेट करते फोटो लेने के लिए कोरोना का जब वो बीच में आता है। ये जो बीच में डिस्क है जो ब्लॉक कर रहा है सन को, उसे कहते हैं ऑकल्टेशन डिस्क, ऑकल्ट
करना मतलब कोई तो चीज बीच में आके ब्लॉक करना उस चीज को। यहाँ एक अच्छा विजुअलाइजेशन है ये सोहो स्पेसक्राफ्ट की, कितना ब्लॉक कर रहा है उसका व्यू। आप देख सकते हो सन का बीच में है और वो डिस्क जो है वो सन से बड़ी है एंड बस बाहर का दिख रहा है हमें, राइट। ये यहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा फोकस करो, हमें सोहो ये लास्ट को समझना होगा, विल सी क्यू बेटर है ये समझने के लिए। लास्ट को यानी लार्ज एंगल एंड स्पेक्ट्रोमेट्रिक कोरोनोग्राफ के ऊपर तीन अलग कोरोनोग्राफ्स है जो है C1, C2 एंड C3। आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी डायग्राम्स है C1, C2, C3 के। ये जो ब्लैक कलर है जिसके ऊपर क्रॉस मार्क्स है वो है सन, ठीक है। जो C1 है आप देख सकते हो 1.1 लिखा है। ये 1.1 क्या है? अगर सन का रेडियस सपोज 10 होता तो ये जो ऑकल्टेशन डिस्क है वो 11 तक ब्लॉक करती, तो सन का रेडियस के हिसाब से ब्लॉकिंग हो रहा है यहाँ पे। सन का रेडियस बाय द वे 6.9 लाख किलोमीटर है, तो इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है C1 का वो 1.1 से 3 सोलर रेडियस तक है, ठीक है। पर एक्चुअली C1 में कुछ गड़बड़ हुआ है तो C1 इज नॉट अवेलेबल एनीमोर, इट्स डेड। अगर आप C2 को देखो तो 2 सोलर रेडियस से 6 सोलर रेडियस तक उसका फील्ड ऑफ व्यू है, और C3 का और भी बड़ा है 3.7 से 32 तक। पर आदित्य L1 की वेलसी का बहुत टाइट है, वो जा सकता है 1.05 सोलर रेडियस से 3 तक। तो वो जब एक्टिवेट होगा वो वर्ल्ड का क्लोजेस्ट कोरोनाग्राफ होगा, जो हमें फर्स्ट टाइम एकदम क्लोज अपर या लोअर कोरोना का जो ऑब्जर्वेशन है देखने मिलेगा, स्पेस से ऑफ कोर्स, क्योंकि ग्राउंड से आप टेलीस्कोप से ये कर सकते हो, पर दूसरे इश्यूज आते हैं। जैसे पहले तो आधा दिन ही अवेलेबल है क्योंकि सूरज तो फुल टाइम होगा नहीं, एंड एटमोसफियर वाइब्रेशन वगैरह क्रिएट करके आप ज्यादा हाई रेजोल्यूशन नहीं निकाल सकते हो। तो आदित्य L1 का जो वेलसी होगा वो वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस कोरोनाग्राफ होगा इन टर्म्स ऑफ ऐसा फील्ड ऑफ व्यू क्लोज टू द सन, राइट। एंड वो एक ही वेवलेंथ में हमें नहीं, हमें 4 डिफरेंट ऑब्जर्वेशन मिलेंगे इसके साथ। ये ऑब्जर्वेशन समझने के लिए हमें इसका इंजीनियरिंग पार्ट देखना होगा जो है इसका ऑप्टिक्स। ये है इसका ऑप्टिकल डायग्राम। अब मुझे बताया आप थोड़ा ओवरवेलम होंगे, बट जरूरत नहीं है, एक्चुअली काफी खूबसूरत है, मैं समझाता हूँ क्यों। सबसे पहले बाहर से देख लेते हैं, राइट। वेलसी के बाहर अगर आप देखोगे तो डोर है, उस डोर को कहते हैं एपिचर डोर। ये डोर खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं जब चाहिए। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जब स्पेसक्राफ्ट थ्रस्टर्स वगैरह फायर कर रहा होगा ऑर्बिट मेंटेन करने के लिए भी, तो ये बंद रखेंगे क्योंकि वो कंटेमिनेशन नहीं चाहते, बहुत सेंसिटिव है इंस्ट्रूमेंट। जब एपिचर डोर खुला होगा तब सब कुछ अंदर आएगा, राइट। पूरा सन का सब वेवलेंथ का लाइट अंदर आएगा, हिट करेगा M1 मिरर को। M1 मिरर एक पैराबोलिक मिरर है जो स्लाइट एंगल पे है, स्लाइट। तो होगा क्या, इसका रिफ्लेक्शन एक एंगल पे जाएगा, अब ये गिरेगा M2 के ऊपर। अभी आता है एक क्वेश्चन जो काफी लोग के माइंड में होगा, कोरोनाग्राफ कैसे बनाने के लिए, क्या बस एक गोल सा स्टिकर सा आप लगा दोगे और वो सन को ब्लॉक कर देगा? क्या अगर आप अपने कैमरा के लेंस के ऊपर आगे स्टिकर लगाओ तो वो फोटो का ब्लॉक हो जाएगा? नहीं, उस केस में बस लाइट कम होगी। आपको कभी भी कोई चीज ब्लॉक करनी है तो उसके फोकस पॉइंट पे ब्लॉक करनी होगी, राइट। पर आदित्य L1 में साइंटिस्ट ने एक अलग अप्रोच लिया। M2 मिरर में जब वो लाइट गिरती है M2 के ऊपर, एक बीच में होल है, वो होल एग्जैक्टली कैलिब्रेटेड है 1.05 रेडियस सन का कट करने के लिए, तो वो उतना पार्ट सन का पीछे गिरेगा और वो रिजेक्ट हो जाएगा, जो मतलब कितना कूल है ना। आप इमेजिन करो इसके कैलकुलेशंस, इसका मैथ कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा कि आप धरती पे बैठ के L1 ऑर्बिट का एग्जैक्ट स्पेक्स देख के आपको कैलकुलेट करना होगा वो होल का डायमीटर या रेडियस कितना होना चाहिए और प्रिसीजन कितनी होनी चाहिए इन मिरर्स की, फिर चाहे उसका सरफेस पॉलिश हो या आपका जो एग्जैक्ट विथ हो। नो वंडर इतना टाइम लगा इंस्ट्रूमेंट डेवलप करने के लिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है वेलसी। तो M2 के ऊपर होल है, M2 के ऊपर कट हो गया सन एंड वो चला गया। M2 से जो भी अब कोरोना का पार्ट है वो रिफ्लेक्ट होगा। अभी ये बीम सिंस एंगल पे होगी और स्पेस लिमिटेड है, हमें थोड़ा रिफ्लेक्ट करके ऊपर लेके जाना है, तो एक कॉलोमेटर लेंस असेंबली होगी। कॉलोमेशन मतलब आपका जो भी एंगल पे आ रहा है उसे पैरेलल कर देगा वो, तो वो जो भी M2 से रिफ्लेक्शन आ रहा है उसे पैरेलल वेव रेज बना देगा एंड वो गिरेगा M4 के ऊपर। M4 मिरर 4 से रिफ्लेक्ट होगा वो वापस। एंड अभी थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट आता है, ये गिरेगा ऑन समथिंग कॉल्ड DBS या डाइक्रोइक बीम स्प्लिटर। ये एक ऐसा बीम स्प्लिटर है जो 515 नैनोमीटर के नीचे के वेवलेंथ की लाइट जितनी भी है उसको रिफ्लेक्ट करेगा और बाकी जो भी है उसे पास होने देगा उसके थ्रू, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्ट होगी और थोड़ी लेंस के असेंबली से आएगी और गिरेगी एक हमारे फर्स्ट सेंसर के ऊपर जो है मेन सेंसर, जो है कंटिन्यूम चैनल का 500 नैनोमीटर डिटेक्टर। ये डिटेक्टर हमें बेसिकली व्हाइट कोरोनोग्राफ काइंड ऑफ देगा, व्हाइट या नियॉनिश साइन टाइप व्हाइट कलर कोरोनोग्राफ देगा और ये हमारा मेन इमेजिंग इंस्ट्रूमेंट होगा। इसे कंटिन्यूम चैनल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये हर मिनट एक फोटो लेने की कैपेबिलिटी रखता है जो दूसरे कोरोनोग्राफ से ज्यादा है। तो अगेन फर्स्ट टाइम बहुत हाई टेम्पोरल रेंज, टेम्पोरल मतलब टाइमिंग वाइज, टेम्पोरल
डेटा मिलेगा हमें क्रोनोग्राफ का फर्स्ट टाइम। तो ये कंटेनम चैनल को अपना 500 नैनोमीटर का लाइट मिलेगा, पर बाकी का जो है 515 के ऊपर वो DBS के थ्रू चला जाएगा। अभी यहाँ पे मल्टीपल लेंस सेंसिबिलिटीज है क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम अगेन आदित्य L1 केपेबल है ऑफ डूइंग स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ क्रोनोग्राफ। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? बेसिकली पूरे फील्ड ऑफ व्यू के ऊपर उस क्रोनोग्राफ के ऊपर स्लिट्स लगे, ठीक है, मोस्ट ऑफ द लाइट ब्लॉक होती है और ये स्लिट्स लगे। ये स्लिट्स मूवेबल है, मतलब वो लेफ्ट राइट हम जा सकते हैं। एंड साइंटिस्ट क्या कर सकते हैं, उन्हें अगर स्पेसिफिक कोई सपोज कोई लूप बन रहा है किसी कोने में सन के, वो अपना स्लिट वहां मूव कर सकते हैं एंड बस उस पार्ट को स्टडी कर सकते हैं कि क्या टेम्परेचर है उसका, क्या उसके डिस्ट्रीब्यूशन है इंटेंसिटी का। ऐसे 4 स्लिट्स है आदित्य L1 के ऊपर। ये स्लिट्स मूव करके आप पूरा इमेज भी ले सकते हो, जिसे रास्टर स्कैन कहते हैं। तो इस केस में क्या होगा, ये स्लिट का लाइट जो है 4 स्लिट्स का, वो एक मिरर पे गिरेगा एंड एक लेंस असेंबली से जाके ग्रेटिंग पे गिरेगा। ग्रेटिंग मतलब एक कोई इंस्ट्रूमेंट जो आपके फ्रीक्वेंसीज को स्प्लिट करे लाइट के। इस केस में 3 डिफरेंट स्प्लिटिंग होंगे, एक होगा 530 नैनोमीटर, फिर एक 789 नैनोमीटर और एक IR चैनल जो 1744 जो मैग्नेटिक लाइंस को स्टडी करने हेल्प करेगा। एक बेटर एग्जांपल देने, ये देखो, ये है आयरिस सैटेलाइट का जो UV टेलीस्कोप है जो सन के पार्ट्स को स्टडी करता है। क्रोनोग्राफ नहीं है पर इसके ऊपर भी वो स्लिट जॉ मैकेनिज्म है, आप देख सकते हो यहाँ पे स्लिट्स दिखा रहा है वो मल्टीपल एंड उनके रिजल्ट्स नीचे। तो इसके वजह से वो अलग अलग बहुत छोटे छोटे पार्ट्स का एकदम फाइनली स्टडी कर सकते हैं सन का। तो अगेन फर्स्ट टाइम वर्ल्ड का फर्स्ट क्रोनोग्राफ विद स्लिट होगा आदित्य L1 के ऊपर। तो आई होप ये सब आपको देख के आप अप्रिशिएट करो कि वेलसी कितना खूबसूरत है इंजीनियरिंग वाइज एंड साइंस वाइज भी। ये मेरा फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है इंजीनियरिंग वाइज। आयरिस के रिलेटेड सूट के ऊपर अगला वीडियो पे काम कर रहा हूं मैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स को थैंक यू हेल्प करने के लिए एंड डॉक्टर रमेश जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है VELC के, उनको भी थैंक यू। स्पेशल थैंक्स टू शिखर, कार्तिकेय देवाल, जयम शर्मा, रोहित सुवर्णा, नारायण प्रसाद, चैतन्य, प्रदीप मोहनदास, तन्मय देशपांडे, निशन कुमार, विशाल भारत, पल्लव रानडे, रजत देशपांडे, हाइड्रेटिंग, सिद्धार्थ कृष्ण, कृपल पटेल, कृष्ण नायर, निशान प्रजापति, शौनक पेरी, निसर्ग मानकर, विवेक सिंह, संजत कावड़े, कृष्णा पार्क 164, कुमार अखिल, सीवन नीलम, बुटा सिंह, किल द टाइम, विपुल वैभव, अरित्रा बैनर्जी, चंद्रबदन सिंह, श्रीकांत कपाई, प्रत्युष पटेल, पार्थ बंदेका, ETBM, कार्ती, तात्या विंचू, उर्मी भामणी, पीपी और कुछ एनोनिमस।